दोस्तों नमस्कार, मैं सुब्रत सरकार, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है और सबके लिए शुभ दीपावली। सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो दोस्तों, एनुअल वैलिडेशन ऑफ ECHS मेंबरशिप, जो डिपेंडेंट का वैलिडेशन था, उसके बारे में मैं पहले जो एक क्लिप बनाया था उसमें आप लोग जानकारी मिला होगा कि क्या क्या करना है। अगर अभी भी जो लोग नहीं किया, उनका डिपेंडेंस का जो कार्ड है 64KB का जो कार्ड है वो इनवैलिड हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगा, उससे कोई बेनिफिट्स आप नहीं ले सकते। तो समय रहते हुए ये करना था। खैर, 31 अक्टूबर तक ये समय था। कुछ लेटेस्ट न्यूज उभर के आया है, तो आज का लेटर के हिसाब से मैं आपको थोड़ा डिटेल्स बताऊंगा। बहुत सारे लोगों ने मेरे को फोन किया, मेरा व्हाट्सएप में मैसेज किया, लेकिन दोस्तों एक रिक्वेस्ट मेरा है कि एक कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज करिए, कमेंट्स करिए, इसी वीडियो का कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए। तो चलिए मैं डिटेल बताता हूं। तो देखिए, जो एनुअल वैलिडेशन ऑफ ECHS मेंबरशिप, हर एक ECHS का बाहर या आपका हर एक ECHS का अंदर भी खिड़की में इस टाइप का एक आपको लेटर दिखाई देगा, जो स्ट्रक्चर है ये दिखाई देगा, और इसको फोटो खींच के बहुत सारे लोग लेके भी जा रहे हैं। तो इसमें क्लियर लिखा हुआ था एनुअल वैलिडेशन ECHS मेंबरशिप, और ये किसके लिए है? ओनली फॉर डिपेंडेंट्स, स्पाउस और सेल्फ के लिए नहीं है। जो इसमें पूरा अभी नोट्स में, लेफ्ट साइड में जो नोट्स है उसमें देख लीजिए, वो पूरा पढ़ लीजिए इसको। ये आपको स्क्रीन से स्क्रीनशॉट लेके बड़ा करके पढ़ सकते हैं। और एक्शन फॉर डिपेंड, अच्छा इसका पहले देखिए, कमेंसमेंट ऑफ वैलिडेशन, ये 1 अगस्त 2022 से शुरू हुआ था, ये कमेंसमेंट डेट है। तो मतलब एक साल का टाइम है, तो 1 अगस्त से पहले मतलब 31 जुलाई तक आपका अगर नहीं कार्रवाई हुआ तो कार्ड सब इनवैलिड हो जाएगा। हालांकि ये 1 नवम्बर इनवैलिड होने का डेट दिया था। तो डेट ऑफ अपलोड, जो ये लास्ट डेट जो दिया था अपलोड करने का पूरा डॉक्यूमेंटेशन, वो 31 अक्टूबर 2022 तक। कमेंसमेंट डेट ऑफ ब्लॉकिंग, 1 नवंबर से ब्लॉक होना शुरू हो जाना था कार्ड का। और जो डिपेंडेंस है, पाउस और सेल्फ को छोड़ के, बार बार मैं एक ही चीज बता रहा हूं कि जो मेन बेनिफिशियरी है, जो एक सर्विसमैन है, उसको और उसको वाइफ को छोड़ के जितना सारे डिपेंडेंस उसका है, चाहे फादर मदर और चाइल्ड जो अबव 18 ईयर्स एज है, उनके लिए एप्लीकेबल है। 2020 के बाद जो 18 ईयर्स हो चुका है सबके लिए ये एप्लीकेबल है। अब उसमें करना क्या है, देखिए, ECHS source infosys.com, जो ECHS.sourceinfosys.com, उसको लॉगिन करना है, और उसको लॉगिन करने के बाद सेल्फ डिपेंडेंट में सिलेक्ट डिपेंडेंट में जाना है, और डिपेंडेंट के कॉलम में जाकर अगर पैन कार्ड है तो उसको पैन कार्ड अवेलेबल सिलेक्ट करना है, और नहीं है तो दूसरा तरफ। तो मैं बोलता हूँ कि सभी पैन कार्ड बना लो, नहीं भी है अभी भी टाइम दे दिया, अभी जो न्यू अपडेट आया उसमें टाइम को एक्सटेंड किया गया है, तो उसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा। तो ये सारे चीज पहले भी आप लोग जान चुके हैं, तो अभी मैं नेक्स्ट में जाता हूं। देखिए, अभी जो 26 अक्टूबर का जो साइन किया हुआ लेटर आया है, ये लेटर को मैंने डेट और कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट के सारे चीज नहीं बता रहा हूं। इसके हेडिंग जो है, एनुअल वैलिडेशन ऑफ ECHS मेंबरशिप ऑफ डिपेंडेंट्स बाय सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट एंड एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी बेनिफिशियरीज। ये लेटर नंबर का रेफरेंस 2 दिया हुआ है, पैरा नंबर 1 में जो पहले का जो 2 लेटर का रेफरेंस दिया हुआ है। आप जो इसका मेन लेटर का न्यूज निकाल के आ रहा है ये मैं बता रहा हूं। देखिए, पैरा नंबर 2 में जो दिया हुआ है, ए डिटेल प्रोसीजर ऑन एनुअल वैलिडेशन ऑफ ECHS मेंबरशिप ऑफ डिपेंडेंट्स एक्सक्लूडिंग पाउस अबव 18 ईयर्स ऑफ एज वॉज प्रोमलगेटेड वाइड लेटर अंडर रेफरेंस बेस्ड ऑन द इनपुट्स रिसीव्ड फ्रॉम द एनवायरमेंट। मतलब आप लोगों से जो फीडबैक मिल रहा है, या जो फोन कर रहे हैं, या बहुत सारे लेटर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो उसके तरफ से जो उन लोगों को समाचार मिला है, फ्यू एडिशनल फीचर्स इंक्लूडिंग चेंज इन टाइमलाइन हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड टू द सॉफ्टवेयर। मतलब आप लोगों को थोड़ा एडिशनल फीचर्स इस सॉफ्टवेयर को दिया गया, अभी तक नहीं था। अगर किसी ने गलत डाल दिया, या किसी ने एक चीज के जगह पे दूसरा चीज डाल दिया, तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं था दोबारा उसको रेक्टिफाई करने का। अब उसमें कुछ एडिशनल ऐड किया गया सॉफ्टवेयर को, कुछ अलग से एडिशनल कुछ आपको मिलेगा मौका। सो
एज टू प्रोवाइड एडिक्वेट टाइम टू बेनिफिशियरीज टू ऑब्टेन एंड अपलोड द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। तो आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, आपको टाइम मिला है अपलोड करने के लिए जो आपका मतलब जो जरूरत का डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करने के लिए। द डिटेल्स आर गिवन इन द सक्सेडिंग पैराग्राफ्स। जो नीचे जो पैराग्राफ और आगे है, मैं लेटर आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके बड़ा करके भी कर सकते हो, और पीडीएफ फाइल भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो ऑलरेडी रिजेक्टेड केस, जो लोगों को रिजेक्ट कर दिया है ऑलरेडी, उसके लिए क्या बोल रहा है। ऑल बेनिफिशियरीज हुज एलिजिबिलिटी हैज बीन रिजेक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव ओआईसी पेरेंट पॉलीक्लिनिक। जो हम लोग जिस पॉलीक्लिनिक ईसीएचएस का अंडर में आते हैं, वहां हम लोग सबमिट करने के बाद अगर उनको डॉक्यूमेंट्स ठीक ठाक नहीं लगा तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया या तो अप्रूव किया, तो ये ऑप्शन था। तो बेस्ड ऑन द फॉर्म 26AS ITR एंड अदर अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, जो हमने अपलोड किया था, या 26AS, मैंने खास करके सबको बताया था 26AS को ही आप लोग अपलोड कीजिए, या ITR रिटर्न भी कर सकते थे। विल गेट वन मोर ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर रिव्यू द रिस्पेक्टिव इंटरेक्टिव विंडो टू फॉर रिजेक्टेड केसेस टू अपलोड फ्रेश फॉर्म 26AS ITR और अदर ऑथोराइज डॉक्यूमेंट्स। आपको एक बार और चांस मिलेगा, लेकिन दोस्तों ये चीज ध्यान रखिए, नेक्स्ट जो है वो एक ही बार चांस मिलेगा, बार बार नहीं। अभी जो नया अपडेट लाया है उसमें एक बार और आपको चांस मिलेगा सही डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए। ये नहीं सोचना कि इसमें भी गलत कर दूंगा तो अगले बार फिर मेरे को चांस देगा, अभी कार्ड इनवैलिड हो जाएगा, ध्यान से करिएगा। वंस अपलोडेड विल बी डायरेक्टली विजिबल टू द कंसर्न डायरेक्टर जनरल सेंटर फॉर रिव्यू। अब क्या होगा, अब जो आप अपलोड करोगे वो सीधा चला जाएगा आपको डायरेक्टर जनरल रीजनल सेंटर RC में चला जाएगा रिव्यू के लिए। इन केस द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हो या अगर सही सही है, डायरेक्टर जनरल सेंटर विल अप्रूव, आपको अप्रूव कर देगा, और रिजेक्ट भी कर सकता है अगर उसको सेटिस्फाइड नहीं होगा तो रिजेक्ट द एप्लीकेशन। इन केस ऑफ रिजेक्शन द 64KB ECHS कार्ड ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट विल बी ब्लॉक फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंट्स कंप्लीटेशन ऑफ द 1 year और डेट ऑफ रिजेक्शन और इफेक्टिव डेट व्हिच एवर इज लेटर। अगर ये दोबारा जो आप सबमिट करोगे इसमें अगर वो रीजनल सेंटर सेटिस्फाइड नहीं होगा, अगर डॉक्यूमेंट्स ठीक ठाक नहीं होगा, तो आपको कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा आपको कमेंसमेंट डेट से। जो कम्प्लीशन 1 year हो जाएगा तो आपको कार्ड ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, काम नहीं करेगा दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखना। अब पैरा नंबर 4 में क्या बता रहा है, केस पेंडिंग अप्रूव्ड बाय YC पेरेंट पॉलीक्लिनिक। अभी तक देखिए YC पॉलीक्लिनिक का या तो अप्रूव किया या रिजेक्ट किया, दो ही ऑप्शन था। अब एक ऑप्शन और उनके पास खोल के उनके विंडो में भी दिखेगा, ये क्या है, द YC पॉलीक्लिनिक विल गेट 3 ऑप्शंस एज मेंशन बिलो इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल प्राइमरी बेनिफिशियरीज हु हैव अपलोडेड द डॉक्यूमेंट्स फॉर वैलिडेशन एंड आर पेंडिंग फॉर डिसीजन विथ YC। YC बहुत सारे केस को पेंडिंग रखा है जिसको कंफर्म नहीं था या सेटिस्फाइड नहीं था, दो ही ऑप्शन था, यह अप्रूवल या रिजेक्शन। अब तीसरा एक और ऑप्शन खुल गया है, फर्स्ट जो है अप्रूवल, देखिए पैरा 4 का जो ये कलम में है, YC पेरेंट पॉलीक्लिनिक विल चेक द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स एंड इफ सेटिस्फाइड विल क्लिक ऑन अप्रूवल अप्रूव टैब। अगर वो सेटिस्फाइड है तो अप्रूव टैब कर दिया तो आपके अप्रूव हो गया, आगे का कोई दिक्कत नहीं है आपका 1 साल के लिए, ये भी है 1 साल के लिए, हर एक साल आपको ये कार्रवाई करना पड़ेगा दोस्त। टू अप्रूव द एलिजिबिलिटी टू एक्सटेंड द वैलिडिटी फॉर अनादर 1 year, देखिए क्लियर लिखा है अनादर 1 year फॉर द डेट ऑफ डेट व्हेन 64KB ECHS कार्ड वॉज ड्यू फॉर एनुअल वैलिडेशन। हर साल आपको एनुअल वैलिडेशन करना ही पड़ेगा। ये जो चीज है देखिए, ये टोटल डिपेंडेंस को कम करने का ये एक इनका प्रक्रिया है, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे अभी डिपेंडेंस या हमारा लोड जो है इसे HS के ऊपर बहुत बढ़ चुका है। सेकेंड कलम में क्या बोल रहा है, बी में, रिवर्टेड विथ ऑब्जर्वेशन इन केस द YC पेरेंट पॉलीक्लिनिक असर्टेंस दैट द डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड आर इनकरेक्ट।
अगर आपका ओआईसी पॉलीक्लिनिक देख रहे हैं कि आप जो अपलोड किया डॉक्यूमेंट्स अगर करेक्ट नहीं है, देन बाय द यूजिंग टैब रिवर्ट विथ ऑब्जर्वेशन, एक दूसरा टैब जो उनको मिल रहा है रिवर्ट विथ ऑब्जर्वेशन, ये टैब को अगर दबाएंगे द एलिजिबिलिटी वैलिडेशन इज रिवर्टेड विथ एन ऑप्शन टू द एक्सर्विसमैन और प्राइमरी बेनिफिशियरी टू रिसबमिट द करेक्ट डॉक्यूमेंट्स। आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा दोबारा आपको करेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो जाहिर यह है कि ओआईसी जरूर रिजेक्ट डायरेक्ट में नहीं करेंगे, आप ये जरूर इन्होंने कर देगा कि पेंडिंग केस को कि रिवर्ट विथ ऑब्जर्वेशन में डाल देंगे। फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर सबमिटेड बिफोर द डेट बाई विच द कार्ड इज टू बी ब्लॉक्ड, अगर आपका कार्ड पहले से ब्लॉक नहीं हुआ या जो ब्लॉक होने वाला है, अगर ब्लॉक हो भी जाता है बाई दी बाई इस पीरियड का अंदर, तब भी द कार्ड विल बी रिमेन फंक्शनल और एक्टिव टिल द डॉक्यूमेंट्स आर रिव्यूड बाय द डायरेक्टर जनरल सेंटर। अगर आप दोबारा अपलोड करने का जो मौका मिलेगा उसमें अगर आप अपलोड कर दिया ठीक ठाक तो आपको कार्ड फिर जिंदा हो जाएगा, इसका मतलब वैलिड हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। इन केस द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर नॉट सबमिटेड बिफोर द डेट बाई विच द कार्ड इज टू बी ब्लॉक, द कार्ड विल बी गेट ब्लॉक्ड एज पर द डेट बाई विच द कार्ड इज शेड्यूल्ड टू बी ब्लॉक्ड। जो कार्ड का शेड्यूल डेट था ब्लॉक होने का वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा अगर आप लोग कोई कार्रवाई नहीं करोगे तो। वंस द डॉक्यूमेंट्स आर सबमिटेड एंड इफ अप्रूव द कार्ड विल बी बिकम एक्टिव एंड इफ रिजेक्टेड विल बी ब्लॉक। तो नेक्स्ट टाइम में जो कार्रवाई करोगे वो ध्यान से करना है। अगर रीजनल सेंटर का पास चला जाएगा डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको सेटिस्फाइड लगा तो आपको कार्ड ब्लॉक हो गया तो भी खुल जाएगा, नहीं तो ब्लॉक नहीं होगा। और गलत डॉक्यूमेंट्स भेजा अगर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो परमानेंटली वो आपको रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरे कलम में किया दिया रिजेक्टेड एंड फॉरवर्डेड टू डायरेक्ट रीजनल डायरेक्टर रीजनल सेंटर। वंस द ओआईसी पेरेंट पॉलीक्लिनिक इज सेटिस्फाइड द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड ascertains that the dependent beneficiary does not meet the eligibility criteria, then YC Polyclinic 2 use the tab rejected and forwarded for review to Director General Center and forwarded the same for review rejection for Director Regional Center. Reject उनको अगर अच्छा ना लगे, मतलब आपका satisfied ना हो, अगर उनको लगे कि ये documents incorrect है तो भी उनको रिजेक्ट करने के लिए खुद ना करके आपको आगे फॉरवर्ड कर देगा। देयरफॉर द एप्लीकेशन विल बी फिजिबल टू रेस्पेक्टिव डायरेक्टर रीजनल सेंटर फॉर फास्ट रिव्यू। तो आपको उस मामले में भी फास्ट रिव्यू के लिए रीजनल सेंटर में आपको ये चीज उसका विंडो में शो हो जाएगा जब ये उन्होंने फॉरवर्ड कर देगा। तो अगर इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो फॉरवर्ड कर देगा। Based on the uploaded documents, the director regional center will either approve or reject the validation of documents. If it is rejected by the director regional center, the card will get blocked. तो आपको कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। अब फिफ्थ पैरा में क्या लिखा है, ब्लॉकिंग ऑफ ECHS cards. ECHS card will be blocked on the date by which the annual validation was due. आपका जो एनुअल वैलिडेशन ड्यू है उस डेट तक आपका कार्ड चलेगा, उसके बाद ब्लॉक हो जाएगा। ये जो एनुअल वैलिडेशन का बात कर रहे हैं, मेरे को लग रहा है ये शुरू जब हुआ था ये 1 अगस्त 2022, तो आई थिंक आपका कार्ड तब तक चलेगा एक मतलब 31 जुलाई तक। उसके बाद अगर आपका डॉक्यूमेंट सही सलामत नहीं भेजा तो उस टाइम से भी ब्लॉक हो जाएगा, या तो ये जो आगे का डेट एक्सटेंड किया 1 जनवरी से तो उसमें भी ब्लॉक हो सकता है, इसमें दुविधा है। वंस इट इज रिजेक्टेड बाय ओआईसी पॉलीक्लिनिक पेरेंट पॉलीक्लिनिक हाउएवर द ECHS कार्ड विल बी अनब्लॉक्ड इन केस द डायरेक्टर रीजनल सेंटर अप्रूव द एप्लीकेशन इन द फर्स्ट रिव्यू एज गिवन पैरा 4C अबव, जो पहले मैं पढ़ा उसको उसी हिसाब से आपको या तो रिजेक्ट या तो आपको अप्रूव कर देगा डायरेक्टर रीजनल सेंटर जो RCC। अब देखिए पैरा 6 में क्या बोल रहा है, बेनिफिशियरी इज न्यू पैन कार्ड एज पर द फीडबैक रिसीव्ड फ्रॉम द एनवायरमेंट। पहले भी मैं बोला जो फीडबैक उनको मिल रहा है
few ex-servicemen primary beneficiaries are unable to obtain the income certificate from the state revenue department. मैं पहले भी बहुत सारे को बताया, फोन में भी बात किया, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो इनकम सर्टिफिकेट लेना है वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर है, थोड़ा प्रॉब्लम्स भी है. तो सबसे इजी क्या है, पैन कार्ड में फॉर्म 26AS या आपको इनकम टैक्स रिटर्न, सबसे इजी प्रोसीजर है. तो एंड हैव नाउ प्रोसेस द एप्लीकेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ देयर पैन कार्ड. अगर कोई नया नया पैन कार्ड बनाने के लिए दिया है, हाउएवर इन सच केसेस, उस मामले में एज द पैन कार्ड इज न्यू, नया नया पैन कार्ड मिला है, द फॉर्म 26AS जेनरेटेड विल बी फ्रॉम द डेट व्हेन द पैन कार्ड इज प्रिपेयर्ड. मतलब जॉब उनका पैन कार्ड बना है तब से उसका फॉर्म 26AS बनेगा, तो नेचुरली दो साल का असेसमेंट ईयर का आपको मिलेगा नहीं, तो वहां जो कलम है वो दो साल का भरने का है, तो उस मामले में आप क्या करोगे. हेंस द फॉलोइंग टू डॉक्यूमेंट्स विल बी अपलोडेड इन द फॉलोइंग सिक्वेंस. तो दो साल का जो कलम वहां दिया हुआ था असेसमेंट ईयर का, तो वहां क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भरना. फर्स्ट कलम में आपको क्या अपलोड करना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पैन कार्ड, पैन कार्ड का एक जेरोक्स कर लीजिए, उसमें सेल्फ अटेस्टेड करना है. उसमें एक लाइन और लिख देना है कि प्रिपरेशन ऑफ पैन कार्ड का डेट उसमें मेंशन कर देना है, फिर खुद अटेस्टेड करना है. ठीक है, इसमें जिसका पैन कार्ड है वो ही साइन करेगा, सेल्फ अटेस्टेड, वो एक नंबर कलम में आपको अपलोड करना है. दूसरा में क्या करना है, बी सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म 26AS जेनरेटेड फ्रॉम द न्यू पैन कार्ड फ्रॉम द करेंट फाइनेंशियल ईयर. तो आपको एक साल का तो आपको फॉर्म 26AS मिल जाएगा, तो वो भी निकाल के उसको आप पहले साइन कीजिए, सेल्फ जिसका पैन कार्ड है उन्होंने ही साइन करना है, और उसको स्कैन करके उसको आपको अपलोड करना है. तो दोनों कॉलम फिल हो गया, तो ये क्राइटेरिया आपको ठीक ठाक माना जाएगा. अब पैरा नंबर 7 में क्या बता रहा है, द अबव विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल टू ऑल डिपेंडेंट्स हु हैव अटेन्ड एज ऑफ 18 इयर्स एंड अबव ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2020. 2020 के बाद से जिसका 18 साल हो चुका है, अभी भी जिसका 18 साल हो रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ उनके लिए एप्लीकेबल है. आप पैन कार्ड बना लीजिए, ऑनलाइन पैन कार्ड अप्लाई करोगे तो एक हफ्ते के अंदर पैन कार्ड बन जाएगा, और ये कार्रवाई करके आप उसको कार्ड को वैलिड रख सकते हो, और ये करना जरूर दोस्त, ऐसा नहीं कि आप इसको अवॉइड कर दो. और जिनको जानकारी नहीं है, मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, उनको इस चीज को स्प्रेड करिए, मेरा ही वीडियो को आप सबको भेजिए, ताकि सभी इस चीज को जानकारी मिले. द YC पेरेंट पॉलिक्लिनिक 8 नंबर पैरा, द YC पेरेंट पॉलिक्लिनिक और डायरेक्टर रीजनल सेंटर विल अप्रूव और रिजेक्ट द ECHS मेंबरशिप बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी एज पर अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स. इसमें आप क्लियर हो जाइए कि आपको डिपेंडेंस कम करने के लिए आपका कार्ड इनवैलिड हो जाएगा, इसमें कोई दुविधा रखना नहीं कि आपका ये चलता रहेगा, नहीं, ये कार्रवाई नहीं करोगे तो इतने सारे अभी कॉरेस्पॉन्डेंस चल रहा है, लेटर आ रहा है, टाइम टू टाइम आपको मैसेज दिया जा रहा है, तो इसमें कोई दुविधा नहीं रखना. 9 नंबर पैरा में क्या बोला, डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. अब जो डेट बढ़ाया गया ये कब से कब तक आपको और मौका मिलेगा इसके बारे में दिया है. द न्यू अपग्रेड सॉफ्टवेयर, अभी जो सॉफ्टवेयर में अपग्रेडेशन लाया है, क्योंकि मैंने पहले बहुत सारे क्वेरी आ रहा था, तो उनसे उनके अगेंस्ट में मैंने बात किया था, जो लोग सॉफ्टवेयर बनाता है, तो उन लोग खुद बोला कि सर हम लोगों को जैसा ही उन लोग बोलेंगे तो हम लोग इसको अपग्रेडेशन कर देंगे, उसमें और विंडो खोल देंगे कि वो दोबारा इसको रिसबमिट कर पाए. तो द न्यू अपग्रेड सॉफ्टवेयर विल बी मेड लाइव बाई 31 अक्टूबर 2022. कल खोलोगे तो उसको लाइव नहीं मिलेगा, वो 31 अक्टूबर लास्ट डेट जिस दिन था उस दिन ही इसको आपको वो विंडो दिखाई देगा, अभी उसको लाइव नहीं हुआ है. टू फेसिलिटेट ऑल पेंडिंग केसेस टू अपलोड एंड अप्लाई फॉर एनुअल वैलिडेशन, और मतलब 31 अक्टूबर ऑनवर्ड्स आपको ये कार्रवाई करना है. द ब्लॉकिंग और इन एलिजिबल कार्ड विल नाउ बी अंडरटेकन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2023. अब जो 1 नवंबर से कार्ड ब्लॉक होना शुरू होना था वो आगे डेट एक्सटेंड हो गया 2 महीने के लिए, 1 जनवरी 2023 से कार्रवाई हो सकता है. तो इस चीज के ऊपर थोड़ा गौर करिए. इट इज रिक्वेस्टेड दैट द कंटेंट्स ऑफ दिस लेटर टू बी डिसमिनेटेड इन द एनवायरमेंट और इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल ECHS बेनिफिशियरीज. ऑल रीजनल सेंटर विल इंश्योर दैट ऑल पॉलिक्लिनिक अंडर देयर ज्यूरिडिक्शन आर इन्फॉर्म्ड ऑन टॉप प्रायोरिटी. ये बोल रहा है कि हर एक ECHS का फर्ज ये है कि ये सबको जानकारी प्रदान करे, तो हम लोग भी
कोशिश करेंगे एक दूसरे की इस जानकारी को जरूर देना, और आप लोग हो सके तो मेरा ही वीडियो को आप लोग बहुत सारे लोगों को स्प्रेड करिए, जितने सारे आपका व्हाट्सएप में आपका फ्रेंड लिस्ट में है सबको इसको शेयर करिए, ताकि सबको जानकारी मिले ये कार्ड इनवैलिड होने से बचे। तो दोस्तों बार बार एक चीज बोल रहा हूँ, मेरा फोन नंबर स्क्रीन में जरूर दिखेगा, व्हाट्सएप नंबर है वो, पर आप लोग इसी वीडियो का कमेंट्स में कमेंट्स लिखिए और कमेंट्स का मैं जवाब दूंगा, और उसी कमेंट्स के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट आपको ब्लॉग बना के दूंगा। लेकिन बार बार एक चीज बोलता हूँ, आप लोग कोई ध्यान नहीं देते हैं। जब अब यूट्यूब देखते हैं उस यूट्यूब के नीचे देखिए लाइक होगा, शेयर होगा, कमेंट्स का भी एक कलम होता है, तो कमेंट्स में जाके जो आपका प्रॉब्लम्स है चाहे हिंदी में लिखिए, चाहे बंगालीज में लिखिए, चाहे आप इंग्लिश में लिखिए या तो आप रोमन इंग्लिश में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, मेरे को लगता है कि आप लोगों को थोड़ा जानकारी मिल गया होगा, और ये लेटेस्ट लेटर के हिसाब से और लेटर का कॉपी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।